दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विद्यार्थी के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक एवं सूत्र बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। पहला श्लोक, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम अतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवम च विद्यया। अर्थात अन्न का दान परम दान है और विद्या का दान भी परम दान है, परंतु दान में अन्न प्राप्त करने से कुछ क्षणों के लिए ही तृप्ति प्राप्त होती है, जबकि दान में विद्या प्राप्त करने से जीवन पर्यंत अर्थात आजीवन तृप्ति प्राप्त होती है। दूसरा सूत्र, सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः सर्पः सम्यति मन्त्रश्च दुर्जनः केन सम्यति। अर्थात सांप भी क्रूर होता है और दुष्ट भी क्रूर होता है, किंतु दुष्ट सांप से भी अधिक क्रूर होता है, क्योंकि सांप के विष का तो मंत्र से भी समन हो सकता है, किंतु दुष्ट के विष का समन किसी प्रकार से नहीं हो सकता। चलिए जानते हैं और एक सूत्र, मूर्खा यत्र न पूज्यते धान्यम यत्र सुसंचितम दंपत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। अर्थात जहाँ पर मूर्ख की पूजा नहीं होती, अर्थात उनकी सलाह नहीं मानी जाती, धान्य को भलीभांति संचित करके रखा जाता है और पति पत्नी के मध्य कलह नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी का निवास स्वयं होता है। ये तो हुआ तीसरा श्लोक। चौथा सूत्र, सतेषु जायते सुरः सहस्रेषु च पंडितः वक्तः दश सहस्रेषु दाता भवति वानवः। अर्थात 100 लोगों में एक सुर पैदा होता है, 1000 लोगों में एक पंडित पैदा होता है, 10,000 लोगों में एक वक्ता पैदा होता है और दाता कोई बिरला ही पैदा होता है। पांचवा तथा अंतिम सूत्र, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन। अर्थात जिस प्रकार फलों से लदी हुई वृक्ष की डाली झुक जाती है, उसी प्रकार गुणीजन सदैव विनम्र होते हैं, परंतु मूर्ख लोग उस सूखी लकड़ी के समान होते हैं जो कभी भी नहीं झुकता। तो दोस्तों, ये थे जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथा सुफलदायक श्लोक एवं सूत्र। आप लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।